उधर हाथरस को लेकर एसआईटी रिपोर्ट आ गई है। बताया जा रहा है कि ना बाबा का एफआईआर में नाम ना रिपोर्ट में नाम, क्या बाबा को क्लीन चिट मिल गई है। सात दिन से हाथरस वाला बाबा कहां छिपा है पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। हाथरस में भगदड़ के सात दिन बाद मामले की जांच रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी गई। दो सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हादसे के कार्यक्रम के लिए आयोजक मुख्य जिम्मेदार हैं। एसआईटी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आयोजकों ने तथ्य छिपाकर सत्संग की अनुमति ली है, उन्हीं की लापरवाही से यह हादसा हुआ है, क्योंकि भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया था। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि भीड़ के बावजूद बैरिकेडिंग और पैसेज की व्यवस्था नहीं थी और आयोजक मंडल ने पुलिस से बदसलूकी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पुलिस प्रशासन भी हादसे के लिए जिम्मेदार है। सूरजपाल के वकील ने कहा कि वो इस जांच रिपोर्ट से संतुष्ट हैं। इसकी जांच हो रही है पूरी तरह से और हम अपने जो घटना के समय के प्रत्यक्षदर्शी हैं, इंसिडेंट हुआ जो इंजर्ड हैं, नारायण साकार हरि के फॉलोअर्स हैं, मानते हैं, वो पूरी तरह से जांच में भी भाग ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी भाग लें और जाएं भी, जो भी स्टेटमेंट उनसे पूछा जाए, सच्चाई पूछी जाए, वो सच बताएं जाके। इस रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने हाथरस के सिकंदरा मऊ से एसडीएम और सीओ को निलंबित किया है। इन दोनों अधिकारियों समेत 6 और अफसर निलंबित किए गए हैं, लेकिन सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि बाबाओं को बचाने के लिए अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। अच्छा लगता है इन बाबा को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बाबा इस काम कर रहे हैं। अगर एक बाबा पे कार्रवाई होगी तो आने वाले कल में दूसरे बाबाओं पे भी कार्रवाई होगी। ऐसे बाबाओं पे और ऐसे जो है लापरवाह अधिकारियों पे सब पे कार्रवाई। बाबाओं के साथ देश चलाओगे तो फिर यही घटना होगी। मैं लोगों से अपील करूंगा कि बचे अंधविश्वास पाखंडवाद से। बाबा सूरजपाल इतने बड़े हादसे से साफ बच निकला हो, लेकिन संत समाज ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।